सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च को आयोजित होने वाली इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डीएसी मीटिंग में पिछले कुछ महीनों से विवादों में घिरी दो महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स की डील को पेश किया जाएगा, जिनमें से एक है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की डील और दूसरी है सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की डील। और स्पेशली अपॉइंटेड मॉनिटर्स की तरफ से इन दोनों वेपन सिस्टम्स को अंतिम मंजूरी दे दी गई है और अब इन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी मीटिंग में पेश किया जाएगा। और इन दोनों सिस्टम्स को मंजूरी अभी हाल ही में साउथ ब्लॉक में आयोजित की गई एक हाई लेवल मीटिंग में दी गई थी। और ये दोनों ही काफी बड़ी डील है और इस डील के तहत जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की डील है, इसके पहले रनर अप के तौर पर रशियंस हैं और जबकि जो दूसरी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की डील है, इसके पहले रनर अप के तौर पर साउथ कोरियन कंपनी शामिल है। और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज के लिए लिया जाएगा और जबकि दूसरा सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी की स्ट्राइक कोर में शामिल होगा, जिसकी करीब 5 रेजिमेंट्स को खरीदे जाने की उम्मीद है। और बाकी इस डीएसी मीटिंग में इन दोनों डील्स के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण को प्लेस किया जाएगा। इनमें से एक है इंडियन एयरफोर्स के हॉक एडवांस जेट ट्रेनर के लिए 2 सिमुलेटर्स की डील और हर एक सिमुलेटर की कीमत है करीब 300 करोड़ रुपए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्ब्स के फ्यूजेस, जो कि भारत में ही डिजाइन किए गए हैं और भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और शुरुआत में ऐसे करीब 700 करोड़ रुपए की कीमत पर करीब 15,000 फ्यूजेस लिए जाएंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में डीएसी इंडियन नेवी के कैमॉफ 31 हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी बातचीत कर सकती है और जो शुरुआती योजना के अनुसार 10 हेलीकॉप्टर्स पहले लिए जाने थे, हो सकता है कि अब केवल 6 ही हेलीकॉप्टर्स लिए जाएं। और इसी तरह जो इंडियन नेवी के लिए 4 मल्टीपर्पज वेसल्स दी जानी थी, अब हो सकता है कि उनके बदले केवल 2 ही वेसल्स को खरीदा जाए। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन नेवी अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक प्राइवेट शिपयार्ड को पार्शियली लीज पर लेने की योजना बना रही है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेवी में फंड की कमी के चलते जो ईस्टर्न कोस्ट पर एक नए स्ट्रेटेजिक नेवल बेस को बनाए जाने की योजना थी, फिलहाल उसको देरी का सामना करना पड़ रहा है। और ईस्टर्न कोस्ट पर जो इंडियन नेवी का ये नया नेवल बेस होगा, ये एक सीक्रेटिव बेस होगा जहाँ पे इंडियन नेवी अपनी फ्रंट लाइन न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप्स को बेस करेगी। लेकिन नेवी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस बात की सूचना दी है कि फंड की कमी के चलते इस परियोजना में देरी हो रही है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि स्टैंडिंग पैनल ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जो भारत सरकार द्वारा 3 खास तरह की एजेंसीज को स्थापित करने की पहल शुरू की गई है, जिसमें एक है डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी और तीसरी है आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। इन तीनों एजेंसीज के ऑपरेशनलाइजेशन को भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी नेवी ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए जिस प्राइवेट शिपयार्ड को लीज पर लेने की योजना बनाई है, उस योजना के तहत कटुपली में स्थित L&T शिपयार्ड को करीब 8 सालों तक यानी कि 2022 से लेकर 2030 तक लीज पर लिया जा सकता है। और बता दें कि शिपयार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी टू यूज कंडीशन में प्राप्त करने के लिए करीब 30.48 करोड़ रुपए पर ईयर की कीमत देनी पड़ेगी और इसके अलावा इसमें 48 करोड़ रुपए का एक रिफंडेबल डिपॉजिट भी शामिल है। शुक्रवार को स्टेट ऑन HAL और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के बीच सारस MK2 एयरक्राफ्ट के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस को लेकर एक MOU साइन किया गया है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सारस एक स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया गया एक 19 सीट वाला एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज, सिविल एविएशन सेक्टर और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को सोल्ड किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से करीब 100 लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI को जारी कर दिया गया है और जो लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स हैं, इंडियन आर्मी के लिए लिए जाएंगे। और अगर आपको ध्यान होगा तो इस साल जनवरी के महीने में इजरायली कंपनी यू विजन एयर ने अपनी इंडियन पार्टनर कंपनी आदित्य प्रिसाइटेक के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी की घोषणा की थी, जो कि पाम ब्रांड के अंदर इसी तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करेगी। और बता दें कि जो लॉयटरिंग म्यूनिशन हैं, ये सुसाइड ड्रोन या फिर कामिकाजे ड्रोन के नाम से भी जाने जाते हैं। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो RFI जारी की गई है, उसके मुताबिक उन्हें इंडियन आर्मी के लिए एक मैन पोर्टेबल लॉयटरिंग म्यूनिशन चाहिए जिनका वजन 20 किलोग्राम से कम होना चाहिए और साथ ही साथ जो उनका फ्लाइट इंड्योरेंस है वो कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए और उनकी रेंज लाइन ऑफ साइट में 15 किलोमीटर तक होनी चाहिए। और बाकी इसके अलावा सी लेवल से ऊपर 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर और ग्राउंड लेवल से ऊपर कम से कम 300 मीटर तक ऑपरेट होने की एबिलिटी होनी चाहिए। बाकी एंटी जैमिंग प्रॉपर्टीज, एंटी स्पूफिंग प्रॉपर्टीज, पर्सनल और सॉफ्ट स्किन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉरहेड को कैरी करने की कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए।
गुरुवार को मुंबई के पास स्थित भारत के एक महत्वपूर्ण नेवल स्टेशन आईएनएस करंजा में एक प्राइवेट वेसल इस नेवल स्टेशन के जेटी से टकराई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्राइवेट वेसल का एंकर टूट जाने की वजह से ये वेसल ड्रिफ्ट होकर इस जेटी से टकराई थी। हालांकि ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें जेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें कि आईएनएस करंजा एक बेहद ही महत्वपूर्ण नेवल बेस है क्योंकि इसमें वेस्ट नेवल कमांड की आईएनएस तुनीर आती है जो की इंडियन नेवी के महत्वपूर्ण आरोमैन डिपोज में से एक है, जहां से वेस्ट नेवल फ्लीट के लिए एम्यूनिशंस और मिसाइल्स को स्टोर और डिलीवर किया जाता है। और केवल नहीं बल्कि यहाँ पे आईएनएस अभिमन्यु भी है जो कि इंडियन नेवी की एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस का बेस भी है और इस लिहाज से ये एक बेहद ही गंभीर मामला है और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा से ना हो इसके लिए इंडियन नेवी को एक महत्वपूर्ण और पर्याप्त कदम उठाने की सख्त जरूरत है। चीनी सीमा पर चौकसी को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार की तरफ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी को 47 अतिरिक्त बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि गृह मंत्रालय की इस मंजूरी के साथ फ्रंट पर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर हेडक्वार्टर का निर्माण होगा और साथ ही साथ चाइना के साथ लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके तहत जो 12 स्टेजिंग कैंप्स की मंजूरी दी गई है वो आईटीबीपी ट्रूप्स के लिए एक टेम्परेरी बॉर्डर आउटपोस्ट की तरह काम करेंगे ताकि जब ट्रूप्स हिमालयन फ्रंटियर पर अपनी पेट्रोलिंग या ऑपरेशंस पर होंगे तब वे इन कैंप्स को आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे और जो ये नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं इन सभी में टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी मौजूद होगी। और बाकी इसके अलावा कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय इस साल के मध्य तक प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को जारी कर सकती है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि बोफोर्स हॉबिट्स FS-77 को भारत में इंपोर्ट कब किया गया था और इसका सही जवाब है 1980। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।